कहा कि ये कार्यकर्ता देवतुल्य हैं और किसी भी देवता के सामने जब कोई जाता है तो झुक करके ही प्रणाम करता है। और मेरी आदत में ये है, जब मैं अपने भी पार्टी का कार्यक्रम करता हूँ या संगठन का कार्यक्रम करता हूँ तो अपने कार्यकर्ताओं से जिस प्रकार से वीडियो में जो दिख रहा है मैं उसी हिसाब से प्रणाम करता हूँ। हमारे लिए हमारे भगवान, हमारे लिए हमारे सब कुछ, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, हमारे मतदाता हैं। अगर उनके सामने एक बार नहीं हजार बार झुकना होगा तो अरविंद राजभर झुक करके ही प्रणाम करेगा। जनता के बीच में नेता उनसे आशीर्वाद नहीं लेगा, सहयोग नहीं लेगा तो फिर लेगा क्या? हाय रे राजनीति, हाय रे चुनाव, ये जो ना करवा दे। अब ओम प्रकाश राजभर को ही देख लीजिए, पहले अखिलेश यादव के साथ मिलकर बीजेपी वालों को दम भर कोसा और अब पाला पलट लिया तो लोकसभा की एक सीट के लिए उठक बैठक करनी पड़ रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि घोसी लोकसभा सीट से एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, सामने बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे हैं। ब्रजेश पाठक पहले अरविंद राजभर को बुलाते हैं और कहते हैं कि घुटनों पर बैठो और सिर झुकाओ। इसके बाद राजभर समुदाय के आन बान शान और नेता ओपी राजभर के बेटे और सुभाषपा प्रत्याशी अरविंद राजभर ब्रजेश पाठक और बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने जमींदोज हो गए। जब से वीडियो सामने आया तब से कहा जाने लगा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घोसी में बीजेपी के नाराज कथित सवर्ण जाति के कार्यकर्ताओं के सामने अरविंद राजभर से उठक बैठक करा दी। जब इस आरोप को लेकर हमने अरविंद राजभर से पूछा तो उन्होंने इसे आशीर्वाद लेने का तरीका बता दिया। मऊ के घोसी लोकसभा में उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का आगमन हुआ था और आज NDA के सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित भी किया गया था। सभी लोगों ने अपनी बातों को रखा, लास्ट में माननीय डिप्टी सीएम साहब ने अपनी बात को रखा। सभी कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन करते हुए जब सारी बातें स्पष्ट हो गईं, सभी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर से कहा, अब की बार 400 पार, यूपी में 80 की 80, उसी में आता है घोसी। घोसी चुनाव जीतने के लिए माननीय डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि ये कार्यकर्ता देवतुल्य हैं और किसी भी देवता के सामने जब कोई जाता है तो झुक करके ही प्रणाम करता है। और मेरी आदत में ये है, जब मैं अपने भी पार्टी का कार्यक्रम करता हूँ या संगठन का कार्यक्रम करता हूँ तो अपने कार्यकर्ताओं से जिस प्रकार से वीडियो में जो दिख रहा है मैं उसी हिसाब से प्रणाम करता हूँ। हमारे लिए हमारे भगवान, हमारे लिए हमारे सब कुछ, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, हमारे मतदाता हैं। अगर उनके सामने एक बार नहीं हजार बार झुकना होगा तो अरविंद राजभर झुक करके ही प्रणाम करेगा। अरविंद राजभर से उप मुख्यमंत्री माफ़ी मंगवा रहे हैं, ये सरासर गलत है। ये गलत मानसिकता के लोग ही ऐसे दुष्प्रचार करने का काम कर रहे हैं। अब अरविंद राजभर भले ही कह रहे हो कि वो हजार बार ऐसे ही झुकेंगे, लेकिन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके धुर विरोधी अखिलेश यादव ने इसे अपमान बताया है। अखिलेश यादव ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, ये भाजपा के प्रभुत्ववादी लोगों का अहंकार जो अपने साथी दलों के नेताओं को दंडवत होकर माफी मांगने के लिए विवश कर रहे हैं, ये अपमान की पराकाष्ठा है। भाजपा के संपूर्ण दल को इस कृतित्व के लिए सामूहिक दंडवत क्षमा मांगनी चाहिए। भाजपा ने एक व्यक्ति का नहीं पूरे समाज का अपमान किया है जिस समाज से वो आता है। राजभर समाज इस अपमान के विरोध में भाजपा के खिलाफ वोट डालेगा और भाजपा की सामंती सोच को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। अखिलेश यादव के इस बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार किया है। अखिलेश जी नासमझी का परिचय दे रहे हैं। डॉक्टर अरविंद राजभर के बढ़ते हुए लोकप्रियता को जन समर्थन से विपक्ष के लोग घबराए हुए हैं और जनता के बीच में नेता उनसे आशीर्वाद नहीं लेगा, सहयोग नहीं लेगा तो फिर लेगा क्या? अब उसको आशीर्वाद लेना उन लोगों को लग रहा है कि ये लोग विरोध कर रहे हैं, जबकि वो खुद अपने आपस में लड़ाई में वो खुद देख लें कि कितनी सीटें बदल चुके प्रदेश में। जहाँ जहाँ पहले दूसरे चरण के नामांकन पहले का खत्म हो गया, दूसरे का अंतिम दौर में है, प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, तो ये विरोधियों की हताशा और निराशा है। फिलहाल राजभर पिता पुत्र इसे आशीर्वाद कह रहे हैं और समाजवादी पार्टी इसे घनघोर बेइज्जती। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मऊ से दुर्गा किंकर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।